Good morning, students. Welcome to Environment class, Standard 3rd. We will continue our 11th chapter, our houses. Our houses का half chapter मैंने explain कर दिया था. आज हम नया topic मतलब उसी के chapter का half बाकी है. वो continue करेंगे. वो मैं पहले explain कर दूँगी. And then मैंने यहाँ पे answer the following question in one word लिख के रखा है. उसके answer भी आज हम fill करेंगे. तो आज जो है there should be windows and
क्लीन एयर इज नेसेसरी, क्योंकि क्लीन एयर क्यों नेसेसरी है, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं तो वो हमारे ब्रीथिंग में, अगर डर्टी है एयर, डर्टी है तो वो डर्टी एयर हमारे ब्रीथिंग में चली जाएगी, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए क्या होता है कि विंडो के साथ देयर शुड बी विंडोज एंड वेंटिलेटर्स फॉर फ्रेश एयर कमिंग। तो हाउस में विंडो के साथ साथ वेंटिलेटर्स भी होने बहुत ही जरूरी। वेंटिलेटर्स दैट मीन आपने टॉयलेट में देखा होगा छोटी सी विंडो होती है, अदरवाइज जिस टॉयलेट में वो छोटी सी विंडो नहीं होती है ना, तो वहाँ पे बहुत ही गंदी स्मेल आती है, तो जिसकी वजह से हमारे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो एक चीज़ होनी चाहिए कि विंडो प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए और एयर भी फ्रेश आनी चाहिए, इसलिए वेंटिलेटर रखना भी ज़रूरी होता है। प्लांट्स क्लीन द एयर, इन प्लांट्स भी हमारे आसपास होने बहुत ही ज़रूरी है। प्लांट्स क्लीन द एयर, देयरफॉर वी शुड ग्रो प्लांट्स अराउंड अवर हाउस। तो हमारे घर के आसपास प्लांट्स होने भी बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या होगा, डर्टी एयर जो होगी वो क्लीन हो जाएगी। वो क्लीन कौन करता है, तो प्लांट्स डर्टी एयर को क्लीन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपन स्पेस, सच बालकनी एंड वरांडाज आर इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग सनलाइट एंड फ्रेश एयर। तो घर में एकदम बंद बंद घर भी नहीं होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, बालकनी होनी भी उतनी ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से कभी क्या हो जाता है कि हम और जैसे बहुत ही समर सीजन में इतनी गर्मी लगती है, तो हमें मॉर्निंग के टाइम सारे डोर विंडो सारे ओपन कर देने चाहिए, या फिर घर में जब खाना बनता है तो खाना बनने के टाइम भी क्या होता है कि पूरा धुआं धुआं फैल जाता है, या कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो उस टाइम हमारे घर में एक बालकनी होनी ज़रूरी होती है कि जहाँ पे हम बाहर खड़े रह के फ्रेश एयर ब्रीथ कर सके। द नेक्स्ट टॉपिक, द हाउस शुड रिमेन ट्री, द हाउस शुड रिमेन ट्री ऑफ इंसेक्ट्स, सॉरी हाउस शुड रिमेन फ्री ऑफ इंसेक्ट्स सच एज फ्लाइज एंड मॉस्किटोज बाय नेटिंग ऑन डोर्स एंड विंडोज कीप देम आउट। तो क्या होता है कि हमारे घर में ये भी चीज़ होनी चाहिए कि फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, फ्लाइज को हाउस फ्लाइज जो होती है, मक्खी जो होती है, वो कैसे कैसे कचरे के ऊपर बैठती है, कहीं पे भी बैठती है, और फिर अगर हमारे घर में भी अगर वो हाउस फ्लाइज घुस गई है, आ गई है, तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं या हमारे खाने की चीज़ों के ऊपर वो बैठ जाती है, तो वो जो डर्ट होता है वो डर्ट बाहर से कलेक्ट करके आती है और हमारे घर में वो छोड़ देती है, तो इसकी वजह से भी हमारे हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो हाउस फ्लाई और मॉस्किटोज की वजह से भी हमारी हेल्थ खराब होती है, इसलिए हमारे विंडोज के ऊपर हमें क्या लगाना चाहिए, वायर नेटिंग लगा देनी चाहिए, जिसकी वजह से वो घर के अंदर एंटर ना हो सके, तो वो भी एक ज़रूरी है। क्लीनलीनेस इज नेसेसरी इन एवरी पार्ट ऑफ द हाउस, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू कीप द बाथरूम्स क्लीन एंड ड्राई, फॉर दिस द हाउस मस्ट हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे द डर्टी वाटर। तो हाउस के हर एक पार्ट को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे घर में सोफा लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल है, या कोई भी चीज़ है, किचन है,
वो हम देखते हैं. हैविंग अ गुड हाउस टू लिव इन इज नॉट इनफ, यू शुड लुक आफ्टर इट वेल. हमारे पास बहुत बढ़िया सा बंगलो है, आजू बाजू में बहुत अच्छी लॉन है, ट्रीज हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं, बहुत कुछ है, फिर भी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिसे ध्यान में रखनी है. तो वो कौन सी है? द हाउस शुड बी कीप क्लीन बाय स्वीपिंग एंड मोपिंग इट एवरी डे. तो हाउस को हमें डेली स्वीपिंग मतलब कचरा निकालना चाहिए एंड मोपिंग मतलब पोछा लगाना चाहिए, वो डेली होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आज मेरा मूड नहीं है, मतलब मम्मी भी थक जाती है इस टाइम पे, आपको उनको भी हेल्प करनी चाहिए कि क्या छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. जैसे स्कूल से आप जाते हो, अभी तो स्कूल स्टार्ट नहीं हुई है, बट आप अपना अपना काम कर सकते हैं. जैसे आपने लंच खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, तो अपनी डिशेज है वो जाके वॉश बेसिन में रख सकते हो. ऐसा नहीं कि खाना खा के वहाँ पे भी गिरा दिया और मम्मी बस पूरे दिन वही करती रहे स्वीपिंग एंड मोपिंग, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. आपको भी उतना ही पेरेंट्स को हेल्पफुल होना चाहिए, है ना. फिर कोई कचरा अगर आप गिरा रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, अभी वीडियो देख के लिख रहे हो, पेंसिल शॉर्पनर शॉर्प करके फिर वहाँ पे कचरा डाल दिया, तो वो सारी चीज़ें भी कितनी अफेक्ट होती है ना, तो हमारे घर ही गंदा लगेगा. तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, मम्मी को हेल्प करनी चाहिए और डेली स्वीपिंग एंड मोपिंग होना चाहिए घर में. नेक्स्ट है, ऑल आर्टिकल्स इन द हाउस सच एज फर्नीचर शुड बी डस्टेड डेली. तो अगर फर्नीचर है, सोफाज है या टेबल्स है, तो जैसे डाइनिंग टेबल है, वो सब चीज़ें उसके ऊपर से भी हमें डेली क्लीन करना चाहिए उसे भी. कैसा नहीं कि पड़ा रहा कचरा तो पड़ा रहा, है ना, वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट है, देयर शुड बी कवर्ड डस्टबिन फॉर थ्रोइंग गार्बेज, देयर शुड बी एम्प्टी डेली. गार्बेज जो डस्टबिन, जैसे मैंने बताया कि डस्टबिन भी कैसा होना चाहिए, ढक्कन वाला होना चाहिए, है ना. हम कचरा डालते रहेंगे तो उसमें एंट भी आ जाती है, अगर कोई स्वीट चीज़ होगी तो एंट हो जाएगी, एंट सारी लाइन बना लेगी, फिर मॉस्किटोज आएगी, मच्छर हो जाएंगे. तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के क्या करना है कि डस्टबिन हमारा ढक्कन वाला होना चाहिए, उसके ऊपर कैप होनी चाहिए, तो वैसा होना चाहिए. और वो भी हमें डेली हमें एम्प्टी कर देना है, खाली कर देना है. ऐसा नहीं कि दो तीन दिन तक कचरा फेंकने ही नहीं जाओ, ऐसा नहीं करना है, तो वो ध्यान में रखना है. और ऑल हाउस होल्ड थिंग्स शुड बी कैप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेस. तो जितनी भी हाउस थिंग्स है, जितनी भी हाउस की चीज़ें हैं, वो सारी अपनी प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए. जैसे आप कोई खाना खाते हो तो नाश्ते का डिब्बा है, बॉक्स है, वो सारी चीज़ें आप फैला फैला के रख दोगे, या फिर जब स्कूल होती थी तब आप क्या करते थे कि स्कूल से जाने के बाद आपने स्कूल बैग कहीं पे डाल दी, शूज़ निकाल के कहीं पे फेंक दिए, सॉक्स निकाल के कहीं पे फेंक दिए, लंच बॉक्स, वाटर बॉक्स, वो सारा वाटर बॉटल, वो सारी चीज़ें कहीं पर भी पड़ी रहेगी तो हमारा घर कैसा लगेगा, गंदा लगेगा. इसकी वजह से क्या करना है, हमें हमारी प्रॉपर चीज़ें जैसे शूज़ है, वो सारी चीज़ें मम्मी जहाँ बोले वहाँ प्रॉपर जगह पे रख देनी है, है ना. तो ये चीज़ें करने से क्या लगेगा, हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन लगेगा. तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर क्लीन रखो, आप भी अभी बड़े थोड़े थोड़े तो बड़े हो गए ना, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको खुद भी करनी है जिसकी वजह से हमारा हाउस क्लीन रहे. यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स इन लुकिंग आफ्टर योर हाउस. You should keep all your things in place and keep your room clean. आपको अपना रूम भी एकदम नीट एंड क्लीन रखना है. ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. अभी यहाँ पे थोड़े से मैंने क्वेश्चन आंसर लिख के वो हम कंटिन्यू कर लेते हैं. यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हाउसेज मतलब नॉट ओनली हाउस, हाउस में भी कितनी सारी चीज़ें होती है ना. तो वो यहाँ पे मैंने लास्ट प्रीवियस पीरियड में हमने नेम द फॉलोइंग लिखा था, है ना. अभी आज हम लिखे आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड. एक वर्ड के आंसर जो होते हैं वो हम करते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट जो है, अ टेंट इज हाउस मेड ऑफ स्पेशल क्लॉथ कॉल्ड. टेंट जो होता है, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अ टेंट इज अ हाउस मेड ऑफ स्पेशल क्लॉथ. क्लोथ लिखा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कैनवास. अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होता, अ टेंट इज अ हाउस मेड ऑफ
temporary house made of snow is called. तो जो temporary house जो होते हैं snow से बने हुए उसे क्या कहते हैं? Igloo. 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 Next है, we use this material in windows so that we can see through them. We use this material in window so that we can see through them. तो हमारे घर में विंडो में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं जिसमें से हम बाहर की चीजें देख सकते हैं? तो वो होते हैं ग्लास. GLASS ग्लास. ग्लास का मटेरियल है. We use this material in window so that we can see through them. तो ग्लास की विंडोज होगी तो उसमें से सनलाइट भी इजीली हमारे घर में आ सकती है एंड हम भी बाहर की चीजें विंडो में से ग्लास के विंडो में से देख सकते हैं. अगर वुड की विंडोज है तो वो बाहर की चीजें हमें ना दिखेगी और वुड की विंडो अगर हमने बंद रखे तो सनलाइट भी अंदर नहीं आएगी और ग्लास की विंडोज है तो वो सनलाइट भी अंदर एंटर हो सकती है एंड हम भी बाहर की चीजें देख सकते हैं. नेक्स्ट है सिक्स नंबर. यूज टू मेक वॉल्स एंड रूफ ऑफ हाउसेस. यूज टू मेक वॉल्स एंड रूफ. वॉल्स वॉल्स जो होती है हमारी दीवारें और रूफ मतलब छत वो बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो ब्रिक. BRICKS. यहाँ पे आपको ब्रिक्स ही लिखनी है क्योंकि सीमेंट से पूरी नहीं बनती है ना. सिर्फ सीमेंट नहीं होती, ब्रिक मेन चीज होती है, उसी से वॉल बनती है. नेक्स्ट है रॉड्स. हमारे घर में नहीं आ सकते तो इस लेसन में हमने